वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए कराया हूँ अंकुर का 7 KVA का जनरेटर। आज मैं इसके लोड के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी डीजल खपत के बारे में बताऊंगा और इसके वोल्टेज के बारे में बताऊंगा और बाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। ये देख सकते हैं ये 7 KVA का जनरेटर है, सेल्फ वाला ये जनरेटर है जिस पर एक सेल्फ लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इस पर जो इंजन लगा हुआ है वो 10 HP का इंजन लगा हुआ है। इसको हैंडल के द्वारा और सेल्फ दोनों के द्वारा स्टार्ट आसानी से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी प्लेट लगी हुई है, अंकुर लिखा हुआ है इस पर। 10 HP का ये इंजन है, 1500 RPM है। इसको हैंडल के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। इस पर ये देख सकते हैं आप, इसके जो टापा होता है उस पर भी अंकुर लिखा हुआ है। अंकुर जो कंपनी है वो गाज़ियाबाद की कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। ये देख सकते हैं, ये बंद करने के लिए इसके स्टॉपर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप। यदि मैं इसके लोड के बारे में बात करूं तो आप इस पर 28 एम्पीयर तक लोड डाल सकते हैं। इस पर आप वेल्डिंग मशीन चला सकते हैं, 3 HP का समरसेबल चला सकते हैं, घर का लोड डाल सकते हैं, 1 HP का समरसेबल प्लस TV, कूलर, फ्रिज। ये देख सकते हैं ये किलोवाट लिखा हुआ है इस पर, 7 वोल्टेज हैं इसके, 220, 50 इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। सिंगल फेस का इस पर अल्टरनेटर लगा हुआ है और इस पर रेडिएटर देख सकते हैं आप, कॉपर का ये रेडिएटर लगा हुआ है। कॉपर का जो रेडिएटर होता है काफ़ी अच्छा रेडिएटर होता है। ये देख सकते हैं सिंगल फेस का ये अल्टरनेटर है जिस पर अंकुर लिखा हुआ है इसके, जो डायोड का बॉक्स होता है। ISO सर्टिफाइड ये कंपनी है अंकुर, काफ़ी अच्छे जनरेटर बनाती है। यदि मैं वोल्टेज के बारे में बात करूँ तो 220 वोल्टेज आउटपुट देता है ये 50 फ्रिक्वेंसी पर। यदि मैं डीजल खपत के बारे में बात करूं तो 1 घंटे में फुल लोड पर ये 1.25 लीटर से 1.5 लीटर प्रति घंटे का डीजल लेगा। और यदि आप इस पर कम लोड डालते हैं तो 1 घंटे में ये 1 लीटर प्रति घंटे का डीजल लेगा। यदि मैं इसके बाइंडिंग के बारे में बात करूँ तो ये फुल कॉपर बाइंडिंग का अल्टरनेटर है। दोस्तों, जब भी खरीदें फुल कॉपर बाइंडिंग का अल्टरनेटर ही खरीदें, क्योंकि फुल कॉपर बाइंडिंग का अल्टरनेटर होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और वोल्टेज भी बहुत ही अच्छे देता है। यदि आप इस पर लोड डालेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है ज़्यादा, और जो एल्युमिनियम का अल्टरनेटर होता है वो वोल्टेज ड्रॉप की उसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि कॉपर का अल्टरनेटर ही लें जब भी खरीदें। इंजन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, 10 HP का ये इंजन है जिसमें 95 mm के रिंग होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा इंजन है वो 10 HP का है। यदि हमारे इंजन में 102 mm के रिंग होते हैं तब हमारा इंजन 12 HP का होता है। ये देख सकते हैं ये इसकी रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस किस लगाते हैं? ताकि हमारे जो वोल्टेज हैं वो कंट्रोल में रहें, 220 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होने चाहिए। यदि 220 वोल्टेज रहेंगे हमारे अल्टरनेटर के तो जो हमारा इंजन है उस पर लोड कम पड़ता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जो वाटर कूल्ड इंजन होते हैं उनको हम 24 घंटा चला सकते हैं, और यदि आप एयर कूल्ड इंजन खरीदते हैं तब उसको 4 से 6 घंटे ही लगातार चलाया जा सकता है, क्योंकि वो गर्म होने लगता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, यदि आपका कार्य 24 घंटे चलाने का है या ज़्यादा चलाने का है तो आप वाटर कूल्ड इंजन ही लें, और यदि आप कम समय चलाना चाहते हैं अपने जनरेटर को तो आप एयर कूल्ड इंजन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।